बड़ी खबर है दिल्ली के साकेत कोर्ट से, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। पति पर पत्नी को गोली मारने का आरोप लगा है। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर। पति और उस महिला का इलाज इस वक्त चल रहा है। आरोप लगा है उसके पति पर, जो कि वकील की ड्रेस में कोर्ट पहुंचा था। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस वक्त उस महिला की हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए महिला को जो है इस मामले में गोली लगी है, और सीधी सी बात यह है कि इस मामले में बड़ी चूक सामने आई है कि इस तरीके से साकेत कोर्ट के अंदर, जहाँ की 2 लेयर्स की सिक्योरिटी है, वहाँ पर एक महिला गवाही देने के लिए आती है, लेकिन उस पर फायरिंग की जाती है। 4 राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि उस महिला का इलाज जो भी एम्स अस्पताल के अंदर चल रहा है, जिस व्यक्ति ने गोली मारी है उसका हस्बैंड बताया जा रहा है। दोनों के बीच में विवाद था, और जो उसका हस्बैंड है वो वकील था, सस्पेंडेड वकील है, और वकील की ही ड्रेस में वो आया था, और उसने ही महिला पर ताबड़तोड़ गोली चलाई है। ये है कि वो वकील हथियार के साथ कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचा कैसे? जितेंद्र, अदालत के अंदर हथियार लेके पहुंचा कैसे? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल ये है, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल जो मामले हैं वो साकेत कोर्ट में होते हैं। पॉश इलाका है साकेत कोर्ट, 2 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है वहाँ पर, जहाँ फ्रिस्किंग होती है हर आने जाने वाले की। ऐसे में जो वकीलों की ड्रेस में एक व्यक्ति है वो हथियार लेके जाता है और वहाँ पर 4 राउंड फायरिंग करता है। इसमें एक महिला गोली लगती है, जो उसकी पत्नी बताई जा रही है। उसको फिलहाल एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन यहाँ एक बार फिर से जो अदालतों की सुरक्षा का मामला है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे मामले देखे गए हैं। बीते दिनों ही एक वकील की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई थी।